नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा भट्ट। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस बार होली के मौके पर सरकार केंद्र कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करने वाली है। होली के मौके पर सरकार कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी करने की घोषणा कर सकती है। जानकारी के मुताबिक केंद्र कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर जल्द ही कैबिनेट की बैठक होनी है। वहीं इस बैठक में डीए बढ़ोतरी को मंजूरी मिलने की काफी उम्मीद है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में महंगाई को देखते हुए बढ़ोतरी की जानी है, यानी जितनी ज्यादा महंगाई बढ़ती है उतना ही इजाफा कर्मचारियों के डीए में किया जाता है। वहीं इस बार महंगाई को देखते हुए इंडस्ट्री वर्कर्स में डीए में 4.23% की बढ़ोतरी की उम्मीद बताई जा रही है, जिसके बाद कर्मचारियों का डीए जो कि इस समय 38% है बढ़कर 42% हो जाएगा। जिसके हिसाब से अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये महीना है तो 38% डीए के हिसाब से उसे करीब 6,840 रुपये का महंगाई भत्ता मिलता है। वहीं डीए में 4% की बढ़ोतरी होने के बाद ये महंगाई भत्ता बढ़कर 42% हो जाएगा, जिसके हिसाब से 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को मिलने वाला महंगाई भत्ता भी बढ़कर 7,560 हो जाएगा। वहीं डीए में होने वाली इस 4% की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को दी जाने वाली महंगाई राहत भी बढ़ जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।